क्या आपने कभी सोचा है कि लोग अपना नाखून क्यों और कब से बढ़ाने लगे? क्या ये कुछ अजीब नहीं लगता कि लोग अपना नाखून बढ़ाते हैं, उन्हें पेंट करते हैं? हालांकि अब नाखून बढ़ाने के मायने बदल गए हैं, पर क्या आप ये जानना चाहेंगे कि लोग अपना नाखून कब से और क्यों बढ़ा रहे हैं? तो चलिए जानते हैं। मनुष्यों और दूसरे प्राइमेट्स जैसे कि शेर, चीता, भालू के लिए नाखून उनके पंजे का चपटा वर्जन है, जो कि पकड़ने या चढ़ाई करने में सहायता करने के लिए विकसित होता है। हालांकि ये उनके हेल्थ रिपोर्ट के रूप में भी कार्य कर सकता है। कोई व्यक्ति जिसका हेल्थ कमजोर हो या उसे फंगल इन्फेक्शन हो तो उसका नाखून पीला या भंगुर हो सकता है, जबकि हेल्दी व्यक्ति के पास एक मजबूत और लंबा नाखून हो सकता है। तो फैक्ट ये है कि हेल्दी नाखून एक हेल्दी व्यक्ति होने का संकेत हो सकता है। क्या पता इसीलिए लोग अपना नाखून बढ़ाते रहे हों, या फिर लंबे नाखून के साथ काम कर पाना बहुत बोझिल होता है। क्या पता इसीलिए लोग अपना इसे स्टेटस सिंबल के लिए रखते रहे हों। चाहे जो भी केस हो, आपको ये जानकर जरूर आश्चर्य हो सकता है कि लोग कई हजार साल पहले से ही अपने नाखूनों के मेनिक्योरिंग कराते आ रहे हैं। कम से कम 3200 BC से उस समय चाइनीज रॉयल्टी अपने नाखून को बढ़ाते भी थे और उन्हें टिंट भी करते थे, यानी कि उन्हें पेंट भी करते थे, वो एग वाइट से हो या फिर फूलों की पंखुड़ियों से। लगभग उसी समय पुराने इजिप्टियंस भी अपने नाखूनों को बढ़ाते थे। उस समय उनके सोशल क्लास के हिसाब से अमीर इजिप्टियंस अपने नाखूनों को गहरे रंग से पेंट करते थे, और जबकि गरीब इजिप्टियंस अपने नाखूनों को हल्के रंग से पेंट करते थे। पर 1920 और 1930 में हो रही घटना के कारण नाखून बढ़ाने और उन्हें पेंट करने का मॉडर्न ट्रेंड बढ़ने लगा, जहां महिलाएं अपना लंबा और शानदार नाखून बढ़ाना शुरू कर रही थी। उससे पहले आमतौर पर महिलाएं अपना नाखून ग्लास से या फिर तेल से टिंट किया करती। हालांकि 1920 में जैसे ही ऑटोमोबाइल रंग की शुरुआत हुई और उसकी लोकप्रियता बढ़ी, ठीक उसी समय ओरिजिनल नेल पेंट कलर भी मार्केट में आया, और उसी के साथ ही सभी लोग नेल पेंट लगाना स्टार्ट कर दिए। पर कई महिलाएं उसके बाद भी कई दशकों तक अपना नाखून बढ़ाना, उन्हें पेंट करने की हिम्मत नहीं करती थी। लेकिन हॉलीवुड ने इसमें अपना कदम रखा। 1940 में लाल रंग और लंबे नाखून रखना स्टाइल बन गया था, जो कि एक्ट्रेस रीटा हेवर्ट से इंस्पायर्ड थी। उस समय महिलाएं उनके स्टाइल को कॉपी करती थी और सेलिब्रिटी की तरह दिखने का कोशिश भी करती थी। आर्टिफिशियल नेल्स, जो कि बिल्कुल असली नाखून की तरह दिखती हैं, उनका यूज नाखूनों की लंबाई बढ़ाना या नाखूनों को हेल्दी दिखाने के लिए इतिहास के समय से ही यूज किया जा रहा है। मिंग राजवंश, जो कि 14वीं से 17वीं सदी के समय के थे, उस समय आर्टिफिशियल नेल्स एक बार चीनी महिला द्वारा पहना गया था। उस केस में भी यह एक नोबल वुमन द्वारा पहना गया था, ये दर्शाने के लिए कि आम लोगों के विपरीत उनके हाथ लेबर वर्क के लिए इस्तेमाल नहीं करने पड़ते। और ग्रीस की महिलाओं ने आर्टिफिशियल नेल्स के रूप में पिस्ता के गोले का भी इस्तेमाल किया था। यह सिर्फ 1954 तक बस नहीं था, जब आर्टिफिशियल नेल्स का अर्ली वर्जन इन्वेंट किया गया हो, यह पहली बार फ्रेड स्लिक, एक डेंटिस्ट के द्वारा पेटेंट कराया गया था, जिन्होंने अपना नाखून काम करते समय तोड़ लिया था और उन्हें एक रिप्लेसमेंट की जरूरत थी। वे और उनके भाई ने बहुत सारे मटेरियल के साथ एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें से डेंटल एक्रिलिन से उन्हें रियल दिखने वाला फेक नेल्स मिला, जो कि जल्द ही पूरी दुनिया के महिलाओं के बीच लोकप्रिय हो गया। तब से स्लेक्स कंपनी नेल सिस्टम इंटरनेशनल डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल से आर्टिफिशियल नेल्स बनाने लगी। पर जैसा कि सब कुछ ब्यूटी और स्टाइल से रिलेटेड है, नाखूनों को बढ़ाना और उन्हें पेंट करना कुछ ऐसे इंटरेस्ट हैं जो आते जाते रहते हैं। 1960 के समय महिलाएं अपने नाखूनों का नेचुरल लुक को इम्पोर्टेंस देने लगी, और शायद ही कभी उन्होंने अपने नाखूनों को पेंट किया। पर 1980 के समय नेल पेंटिंग ने फिर से अपनी जोरदार एंट्री मारी और दुनिया के कई देशों में ये लोकप्रिय रहा है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।